नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में कुछ ऐसा कहा जिससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। बहुत सी एफआईआर पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई गई अर्णब के खिलाफ और 27 अप्रैल को 12 घंटे तक क्वेश्चन किया गया अर्णब को मुंबई पुलिस के द्वारा। अब जो अर्णब के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हमला किया जा रहा है अर्णब के खिलाफ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हमला है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्णब ने सोनिया गांधी को क्रिटिसाइज किया, सोनिया गांधी को अपने असली नाम से पुकारा, एंटोनियो माइनो। दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्णब ने कम्युनल हेट स्पीच फैलाई अपनी डिबेट्स में। इस इशू पर दोस्तों आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में और अपनी राय प्रेजेंट करना चाहूंगा आपको। मैं इस इशू को इंपॉर्टेंट समझता हूं क्योंकि इन जनरल पूरे देश का जो मीडिया है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये इशू उसको रिफ्लेक्ट करता है। आइए देखते हैं, पहले पार्ट बाय पार्ट करके इस क्लिप को देखते हैं जहां से कंट्रोवर्सी उठी। 20 अप्रैल को डिबेट हुई थी रिपब्लिक टीवी पर जिसकी हेडलाइन है संतों पर लॉबी सन्नाटे में। अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। ये अर्णब का स्टाइल है यहां पर, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आमतौर पर वैसे एक जर्नलिस्ट पूछेगा कि सोनिया गांधी यहां पर चुप क्यों है, लेकिन अर्णब का स्टाइल है कि रोम से आई इटली वाली सोनिया गांधी चुप क्यों है। ये अपना स्टाइल है अर्णब का। मैं अर्णब गोस्वामी को एक जर्नलिस्ट नहीं समझता। मेरी राय में ये देश का सबसे बायस्ड, सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाने वाला, सबसे कम न्यूज दिखाने वाला नॉइस चैनल है रिपब्लिक टीवी और ये नॉइजी जर्नलिस्ट है, लेकिन ये मेरी राय है। यहां पर आपकी कोई और राय होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं देश में जो अर्णब गोस्वामी को देश का बेस्ट जर्नलिस्ट समझते हैं। अर्णब का अपना स्टाइल है, हम मजाक उड़ा सकते हैं इस चीज का, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं समझता मैं। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। अर्णब ने बेसिकली कहा मुझे लगता है कि मन ही मन में सोनिया गांधी खुश है। अब ये बॉर्डर क्रॉस करने वाला पॉइंट आ रहा है क्योंकि बेसिकली ओपिनियन बताया जा रहा है, तो ओपिनियन बताने में कुछ नहीं है, लेकिन आप सोचकर देखो कल को कोई नॉन बीजेपी वाला जर्नलिस्ट, मतलब जिसको बीजेपी वाले हेट करते हैं, जैसे रवीश कुमार ये बोल दें कि मन ही मन में प्रधानमंत्री मोदी खुश हैं कि संतों को मारा गया, सोचो क्या रिएक्शन आएगा ये बोलने से। लेकिन मेरी राय में ये भी बोलना ठीक है क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने कह दिया ये मेरा ओपिनियन है, इनकी राय है ये, तो ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आगे सुनते हैं, वो खुश है कि संतों को रहती है जो हाल चल जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ। ये जो चीज बोली इस पॉइंट पे बॉर्डर क्रॉस कर दिया मेरी राय में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है यहां पर। बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसमें कि ये बॉर्डर कहां पर क्रॉस किया जाता है, आपको भी बताऊंगा, आप अपनी राय भी बता सकते हैं यहां पर। लेकिन ये गलत इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली इमेजिनरी कहानी है जो अर्णब ने अपने मन से बनाई है, कुछ भी बकवास बोल दी है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और सुनने वाले को यहां पर लगेगा कि यहां पर एक ओपिनियन नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। जिस तरह से अर्णब ने इस चीज को बोला है सुनकर ऐसा लगता है कि ये न्यूज पढ़ी जा रही हो, कोई एक डेडिकेटेड व्यूअर होगा रिपब्लिक टीवी देखने वाला, उसे सुनकर लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है कि इटली में फोन जाता है, इटली वाले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सोनिया गांधी को जब भी कोई हिंदू मरता है। कंप्लीट फेक न्यूज है ये, और इस रीजन को लेकर डिफेमेशन भी कर सकती है सोनिया गांधी अर्णब गोस्वामी के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे इससे भी ज्यादा बेकार चीजें बोली गई हैं। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। ये पॉइंट है जब मुझे लगता है कि इसे डेंजरस स्पीच की कैटेगरी में डालना चाहिए। सोचकर देखिए किस तरह से यहां पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पहली बार मैंने इसे सुना तो मैंने सोचा इसमें गलत क्या है बोलना, फिर मैंने सोचा आप हिंदू वर्ड को मुस्लिम से रिप्लेस करके देखिए और जरा सोचकर देखिए सेम चीज कोई मुस्लिम लीडर बोल रहा होता मुसलमानों के लिए, सेम चीज। ज्यादातर लोग आप में से कहते कि हेट स्पीच है, और मैं भी कहूंगा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है, डेंजरस स्पीच की कैटेगरी में आता है। सीधा सीधा धर्म को इंसाइट करने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको गुस्सा आना चाहिए यहां पर, इस तरह का परसेप्शन दिया जा रहा है। और जो रिपब्लिक टीवी को देखने वाले लोग हैं इन व्यूअर्स के मन में भी इसी तरह के थॉट्स आते हैं, इसी तरह का रिएक्शन आता है,
इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा कमेंट सेक्शन देखिए इन डिबेट्स का यूट्यूब पर, ये देखिए जरा किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रखा है। लिबरल्स का टाइम पूरा हो गया है, तलवार बना रखी है वहां पर। उसके नीचे वाला कमेंट है, शिवाजी इज कॉलिंग फॉर स्वराज फॉर हिंदूज, ऑल मराठा शुड राइज एज दे डिड अगेंस्ट मुगल्स अ लॉन्ग टाइम अगो। तो देख सकते हैं कॉमेंट्स पढ़कर कि किस तरह से लोगों के अंदर ये वायलेंस की भावना जाग रही है कि मतलब अब तलवार उठा लो, तलवार उठाने का समय आ गया। ऊपर से आयरोनिक चीज ये है कि जो पालघर का इंसिडेंट था इसमें धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं था, जबरदस्ती इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लगाया गया, जबकि उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल को सुबह ही कह दिया था कि दिस इंसिडेंट हैज नो कम्युनल एंगल। इज इट बिकॉज दीज टू साधुज वर वेयरिंग सैफरन दैट यू गॉट क्वाइट अबाउट इट एंड यू हैव द गट्स टू से दिस इज नॉट कम्युनल? You have the courage to say Narendra Verma, this is not communal. It is 100% communal. इसको communalize मत कीजिए, क्योंकि हिंदू साधुओं को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, उसके पीछे और reasons मौजूद हैं, जैसे कि suspect किया जा रहा था कि वो child thieves थे, वही WhatsApp के rumors जो और बहुत सी lynchings के पीछे कारण थे, वो actual reason था, लेकिन अर्णब गोस्वामी ने कोई शक तक नहीं छोड़ा इस चीज पर। जिस तरह से डिबेट की गई, इस तरह से लगा कि 100% उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, और जो ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो अर्णब गोस्वामी के व्यूअर्स हैं वो भी अब यही सोचने लगते हैं, उन्हें भी लगता है कि देखो हिंदुओं को मारा जा रहा है यहां पर, कौन उन्हें सच बताएगा यहां पर। अर्णब गोस्वामी अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से न्यूज चैनल्स हैं बाकी गोदी मीडिया के जो एक सिमिलर सा इफेक्ट डालते हैं अपने व्यूअर्स के माइंड पर। एग्जाम्पल दिखाने के लिए आप ये सुधीर चौधरी की डिबेट्स देख लीजिए, उन पे स्क्रॉल करके जाइए, नीचे कमेंट्स को देखिए किस तरह के कमेंट्स लिखे। सभी हिंदू सब कुछ भूलकर क्षत्रिय बनो, खून का बदला खून करो, सरकार के ऊपर भरोसा मत करो। ये लोगों का रिएक्शन आता है इनकी डिबेट्स देखकर, जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स होती हैं। एक एबीपी न्यूज का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो वन ऑफ द टॉप कॉमेंट्स, मृतकों का नाम नहीं बताया एबीपी न्यूज ने, तो इसका मतलब मरने वाला हिंदू ही होंगे और गांव मुस्लिमों का ही होगा। कितनी आसानी से लोगों ने ज्यूम कर लिया है, ये परसेप्शन है इन चैनल्स के व्यूअर्स की। अब यहां पर एक सवाल शायद आपके मन में आएगा कि क्या इन न्यूज एंकर्स को ऐसी सिचुएशन के लिए ब्लेम करना सही है? यह भी तो हो सकता है कि जो व्यूअर्स इनके चैनल को देख रहे हैं वो पहले से इतने लड़ने मारने के लिए डेस्परेट हो कि वो तो वैसे भी वायलेंट कमेंट करेंगे चाहे न्यूज एंकर कुछ भी बोले। इसके जवाब में मैं कहूंगा हां, कुछ हद तक ये बात सही है कि इन लोगों को ब्लेम करना चाहिए जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, वायलेंट कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक मेरी राय में दोस्तों इन न्यूज एंकर्स पर भी ब्लेम जाता है जो लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर एक दूसरा सवाल भी उठता है, कब ये कहा जा सकता है कि जो न्यूज एंकर्स कहने लग रहे हैं अपने न्यूज में वो सही है, वो फ्री स्पीच के अंदर आता है, और कब ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोग एक दूसरे को मारने लग जाएं और ये डेंजरस स्पीच बन जाता है? कहां पर आप लाइन ड्रॉ करोगे कि इसके इस तरफ ये फ्री स्पीच है, इसके इस तरफ ये डेंजरस स्पीच है? इस सवाल का जवाब हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव से अलग होगा। कुछ लोगों के लिए लाइन यहां पर होगी, कुछ लोगों के लिए लाइन यहां पर होगी, और कुछ लोग ये भी होंगे जो कहेंगे कि अर्णब ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है वो। अब मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इस लाइन को और क्लियरली डिफाइन करने की कि डेंजरस स्पीच एक्चुअली में होता क्या है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वेबसाइट है dangerousspeech.org जो एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करती है, इस लाइन को डिफाइन करने की कोशिश करती है। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग डेंजरस स्पीच होता है इज एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्रीज द रिस्क दैट इट्स ऑडियंस विल कंडोन और पार्टिसिपेट इन वायलेंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप। यानी कोई भी ऐसी स्पीच जिसकी वजह से उस स्पीच को सुनने वाले लोग वायलेंस करने लगेंगे या वायलेंस की मांग करने लगेंगे, इसका रिस्क बढ़ जाएगा, वो डेंजरस स्पीच होती है। इनके हिसाब से जब डेंजरस स्पीच को डिफाइन किया जा रहा है तो उसके आसपास के 5 और एस्पेक्ट्स को देखा जाना चाहिए। पहला है कि स्पीकर जो बोलने वाला है उस स्पीच को, उसका कितना इन्फ्लुएंस है। अगर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है, उसको बहुत से लोग सुनते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब और डेंजरस होने के जो और ज्यादा चांसेस है। दूसरा है ऑडियंस, क्या ऑडियंस ऐसी है जो पहले से ही फियरफुल है, मतलब पहले से ही डरी हुई ऑडियंस है जिसके अंदर डर बैठा हुआ है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हिंदू खतरे में है, पहले से ही ऐसा परसेप्शन लेकर बैठी है, तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक स्पीच डेंजरस स्पीच बन जाएगी। तीसरा है मैसेज, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है स्पीच में, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसमें डीह्यूमनाइजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि कॉकरोचेस। चौथा है कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह से बात करी जा रही है क्या उसके कोई अराउंड कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल या सोशल, जो उस जगह पर रेलेवेंट हो। जैसे अर्णब के केस में हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है पास्ट में भी,
हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं हिस्टोरिकली, और आप देख सकते हैं जिस तरह के रिएक्शन होता है अर्नब की ऑडियंस का कि हम मुगलों की बात करेंगे, हम शिवाजी की बात करेंगे, तो इससे दिखता है कि कॉन्टेक्स्ट इस चीज को और भी इंटेंस बना देता है और भी डेंजरस बना देता है। और पांचवा है मीडियम, जिस तरह से कन्वे किया जा रहा है क्या वो मीडियम बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। जैसे अर्नब के केस में रिपब्लिक टीवी हर किसी के घर में लगा हुआ है, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज है, उससे डेंजरस का कॉन्टेक्स्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे डेंजरस स्पीच की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप इसे आसानी से पहचान पाए। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि डेंजरस स्पीच में हमेशा इज एम्ड एट ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं लोगों के बीच में, डिविजन क्रिएट किया जाता है रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, क्लास या सेक्स के बेसिस पे। और अर्नब के केस में आप ये हमेशा देखेंगे कि जब भी अर्नब की डिबेट चलती है, एक अपना ग्रुप क्रिएट करता है अर्नब कि ये अपना ग्रुप है जो अच्छे लोग हैं, और दूसरा ग्रुप क्रिएट किया जाता है कि यहां पर ये बुरे लोग हैं। इसको डिफाइन हमेशा अलग अलग तरीके से किया जाता है, कभी से नेशनल एंटी नेशनल की तरह डिफाइन किया जाता है, कभी से हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, कभी से अर्बन नक्सल, कभी लॉबी, कभी लिबरल गैंग, खान मार्केट गैंग, वर्ड्स की कमी नहीं है, लेकिन इन शब्दों को हमेशा यूज किया जाता है दो अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए। दूसरा है कि डेंजरस स्पीच प्रमोट्स फियर, हमेशा एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है डेंजरस स्पीच के द्वारा, लोगों में इतना डर बैठ जाए कि देखो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, कि मतलब अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर हिंदू जागेगा नहीं, खून नहीं खोलेगा हिंदू का, तो अगला नंबर आपका होगा, मतलब आप वायलेंस नहीं करोगे तो आपके ऊपर वायलेंस हो जाएगा, इतना डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। तीसरा है डेंजरस स्पीच इज ऑफन फॉल्स, फेक न्यूज होती है डेंजरस स्पीच। अर्नब के केस में जो भी अर्नब ने डिबेट करी ये फेक न्यूज थी, जो जिस चीज पर डिबेट करी जा रही थी उसमें रिलीजन का कुछ लेना देना ही नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां बताई गई है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि डेंजरस स्पीच को आप ब्लैक एंड व्हाइट की तरह मत देखो कि या तो कोई चीज डेंजरस स्पीच है या वो फ्री स्पीच है। आपको डेंजरस स्पीच को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना चाहिए। एक लाइन है नॉट डेंजरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंजर, मीडियम डेंजर, स्ट्रांगली डेंजरस स्पीच, इस तरह से आप परसीव करो। अब बात यह है कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक नॉइज बॉक्स होता जो नॉइज और एंटरटेनमेंट बेचकर अपना 1000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर चला रहा है तो कुछ लोग इरिटेट होते, कुछ लोग मजाक उड़ाते, क्रिटिसाइज करते, लेकिन बात वहीं तक सीमित रहती। प्रॉब्लम यह है कि इस नॉइज बॉक्स में डेंजरस स्पीच भी है, और अर्नब सिर्फ अकेला नहीं है यहां पर, बहुत से ऐसे न्यूज एंकर्स हैं इंडियन मीडिया में जो सेम काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोग जिससे वायलेंस के लिए इंसाइट हो रहे हैं, जैसे हमने देखा यहां। तो ये जो डेंजरस स्पीच है इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रवांडा का केस देखिए, 1990s में क्या हुआ था। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जहां दो मेन एथनिक ग्रुप्स हैं, हूतूस 85% ऑफ द पॉपुलेशन और तूतसीज 15% ऑफ द पॉपुलेशन। जो तूतसीज हैं वो थोड़े से लंबे हैं हाइट में, और ज्यादातर इन जनरल उनका जो स्किन कलर है वो फेयर रहता है एज कंपेयर टू हूतूस। बात यह है 1990s में दोस्तों, हूतूस और तूतसीज के बीच में वैसे तो हिस्टोरिकली थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन 1990s में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था जहां पर हूतूज ने तूतसीज को मारा था, 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है रेडियो रवांडा, एक ऐसा रेडियो चैनल जो हूतूज और तूतसीज के बीच में हेट फैलाता था, दोनों को भड़काता था एक दूसरे से लड़ने के लिए। इनफैक्ट उस रेडियो रवांडा का कंपैरिजन आज लोग करते हैं इंडियन मीडिया से, क्योंकि सेम चीज इंडियन मीडिया करने लग रहा है कुछ हद तक। The Hutu extremists set up a radio station and newspapers which broadcast hate propaganda, urging people to weed out the cockroaches, meaning kill the Tutsi. Radio Rwanda constantly isolated crimes ke cases uthata tha jo Hutus ke against ho rahe hain, aur unko publicize karta tha kehkar ki ye dekho Hutus ko mara ja raha hai yahan par, Hutus khatre mein hain, jabki reality mein us time par zyadatar crime Tutsis ke khilaf hone lag raha tha, lekin fir bhi aisa dar ka mahol create kiya jata tha Hutus mein ki जाग जाओ, हथियार उठा लो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। और इवेंचुअली ये इतना जो इंसाइटमेंट किया गया वायलेंस के लिए, इवेंचुअली सेक जेनोसाइड हो गया। और रवांडा सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल है, सिमिलर सी चीजें हुई हैं रशिया में कम्युनिस्ट के अंडर, जर्मनी में नाजीज के अंडर। इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है जॉर्डन पीटरसन ने, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है यूएसए कैनेडा के, सुनिए जरा। One of the things that Maya and I found when we were writing this paper, we were looking at the discourse that precedes genocide in genocidal states, and the enhancement of a sense of victimization on the part of one of the groups, usually the group that's going to commit the genocide. First of all, their sense of being victims is much heightened by the demagogues who are trying to stir up this sort of hatred. So they basically say, look, you've been oppressed in a variety of ways, and these are the people who did it, and they're not going to stop doing it, and this time we're going to get them before they get us.
ये जिस टाइप की विक्टिमाइजेशन की बात करी जा रही है काफी सिमिलर है उस प्रोपेगेंडा के जो ये न्यूज एंकर्स फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है, मतलब 80% आबादी है हमारी फिर भी हम खतरे में हैं। कांग्रेस के टाइम में खतरे में नहीं थे, जैसे ही बीजेपी आई फिर खतरे में हो गए हम सारे। तो यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जो न्यूज एंकर्स को अपने आप से पूछना चाहिए और इनके एडवर्टाइजर्स को, जैसे रिपब्लिक टीवी के केस में अमूल, पेटीएम, रिनॉल्ट, इबिक्स कैश, ये वो कंपनीज थी जो रिपब्लिक टीवी के शो को एडवर्टाइज करने लग रही थी। इन कंपनीज से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम सही में चाहते हो कि देश हमारा इसी राह में चले, रवांडा जैसी हालत हो जाए हमारे देश में? थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या कर रहे हो यहां पर, किन लोगों को तुम प्रमोट करने लग रहे हो, जो किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को, थोड़ा सोच कर देखो। और जहां तक अर्नब पर हुए इंक अटैक की बात है, मैं इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूं। मैं किसी भी तरह के वायलेंस को, चाहे वो इंक अटैक के फॉर्म में क्यों ना हो, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस और कोर्ट अर्नब को इक्वल चांस देंगे अपने आप को जस्टिफाई करने का, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान को इक्वल होना चाहिए लॉ के सामने। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ स्पीचेस सुनाना चाहूंगा जो अलग अलग लोगों ने दी है, और मैं चाहूंगा कि आप इन स्पीचेस को रेट कीजिए डेंजरस स्पीच के स्पेक्ट्रम पे, यानी नॉट डेंजरस एट ऑल, अ बिट डेंजरस, मॉडरेटली डेंजरस, स्ट्रांगली डेंजरस या वेरी स्ट्रांगली डेंजरस। आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हर एक स्पीच को इस स्पेक्ट्रम पे रेट कीजिए। कि अब सारी दिल्ली में शाइन बाग बनेगा या दिल्ली के एक एक कोने से शाइन बाग बनाने वाले, मिनी पाकिस्तान बनाने वालों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। तो मित्रों बटन दबाओ, तब इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये आज टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन चुका है शैतानी बाग, और ये लोग भारत को, दिल्ली को सीरिया बगदाद बनाना चाहते हैं। 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। तो हर स्पीच पे मैंने नंबर डाला है, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपके हिसाब से कितनी डेंजरस है वो स्पीच। ठीक है, लिख लिया तो आगे मैं बोलना चाहूंगा आपसे। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है और जस्टिस सिस्टम है, उनके हिसाब से जो भी डेंजर लेवल उन्हें लगता है इलीगल होना चाहिए, वो उस डेंजर लेवल के हिसाब से हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दे लोगों के सामने, क्योंकि मेरे हिसाब से हो नहीं रहा है हमारे देश में। और मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जिससे आप में से हर कोई एग्री करेगा, चाहे बीजेपी सपोर्टर हो चाहे कांग्रेस सपोर्टर हो। अगर आप इससे एग्री करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस मैसेज को दूर तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले हमारे देश में, लॉ के सामने सब बराबर हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर YouTube पर एक मेंबर बनके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।